काशिद सोमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ राशिद सोमरो साहब, आपको चोट कैसे लग गई कल? ये समझ में नहीं आया कि पेंट लगी है या आंसू गैस का शेल लगा है, क्योंकि वहाँ से पुलिस वालों ने पेंटें भी बरसाई और आंसू गैस के शेल भी थे और रबड़ की बुलेट भी थी, तो वो हड्डी तक अंदर उसने उसको बहुत नुकसान दिया है। रात काफी लेट में धरना खत्म करके हॉस्पिटल गया था, तो स्टिचेस वगैरह भी लगे आपको? और जी जी जी, मैं बिल्कुल फॉलो करी थी, मैंने पूछा भी था, आपकी पार्टी के लोग भी यहाँ शामिल थे और हमने इस इशू को कल उठाया था। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अपनी हिफाजत में रखे। राशिद सोमरो साहब, अब मौलाना फजल रहमान साहब का क्या स्टांस है? कोई बातचीत करना चाहते हैं या वो ये कह रहे हैं, जो उनका मौकिफ अब तक सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है इंटरव्यूज के जरिए, उनके बयानात के जरिए, आप लोगों से बातचीत के जरिए जो हम तक पहुंच रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम मामला तब तक चलते रहेंगे जब तक के इलेक्शंस के हवाले से, धांधली के हवाले से कोई वाज़े हिकमत अमली नहीं बनाई जाती। लेकिन एक तरफ ये, दूसरी तरफ मुकम्मल हुकूमत साजी की तैयारियां हो चुकी हैं। यस्मीन, देखें, हुकूमत बन रही है नहीं बन रही, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। ठीक, हम अपने जनरल काउंसिल के इजलास पर फोकस किए हुए हैं। इस्लामाबाद का जनरल काउंसिल का इजलास हो गया है और परसों हमारा केपीके के जनरल काउंसिल का 27 का इजलास है, 3 को सुबह सिंध का है, 5 को बलूचिस्तान का है और 8 को पंजाब की जनरल काउंसिल का इजलास है। ठीक, उसके बाद हम अपने हतमी फैसले पर आएंगे। बात यह है कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब छोटे सियासतदान तो नहीं है, बिल्कुल, पूरी जिंदगी उनके वालिद ने, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, पार्लियामान के लिए गुजारी है और उसके लिए उन्होंने उसका बहुत सारा नुकसान भी उठाया है। जी, क्यों एक महीना गुजरने के करीब हुआ चाहता है, 20 दिन हो गए हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन उस पर टस्त मस्त नहीं हो रही, क्यों सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से नोटिस नहीं ले रही? अगर मौलाना फजलुर्रहमान साहब के इल्जाम हुकूमत में बैठने वाले ग्रुप समझते हैं कि वो नाजायज हैं, इलीगल हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो कम से कम मौलाना साहब को उनकी जमात को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है, मेरी खुद अपने लाड़काना की जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ जो हलका है और शिकारपुर का NA 193 का हलका है, मैंने RO DRO से लेकर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से लेकर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तक एप्लीकेशन रिसीव करवाई है, लेकिन मेरी किसी एप्लीकेशन पे सिंगल जवाब भी नहीं आया अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि भाई वो इस पे समाप्त भी करेंगे या नहीं करेंगे, सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। तो ये रवैया है हमारे इदारों का, हमारे साथ। चले, इदारों का तो ये रवैया है, लेकिन राशिद सोमरो साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग आप लोग ये चाहते हैं, एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी है और जो PDM का आप बड़ा अहम हिस्सा रहे, तो आपसे कोई यानी कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये इनका वफ्द की कोई मुलाकातें हो, और मतलब उन मुलाकातों से आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर डेवलप करेंगे इदारों पर? नहीं, हमारा प्रेशर कतई तौर पर न इस हवाले से जरदारी साहब के लिए है, न इस हवाले से नवाज शरीफ साहब के लिए, ना PTI के लिए। आप देखें ना, हमने तो PTI को भी वेलकम किया अपने घर पे जब वो तशरीफ लाए, हालांकि वहाँ पे KPK में तो मैंडेट PTI को दिया गया है। इस हवाले से हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, सुप्रीम कोर्ट से है, एस्टेब्लिशमेंट से है। हम चाहते हैं कि आवाम के वोट के साथ मजाक न किया जाए। जैस्मीन, एक बात आपको बताऊं, आप जरा इस पे गौर करें, 2018 में जो मैंडेट PTI को था, आज 2024 में भी उससे मिलता जुलता मैंडेट PTI को है, जो मुस्लिम लीग नून को था, जो पीपल्स पार्टी को था, आज भी उससे मिलता जुलता मैंडेट दोनों जमातों को है। 2018 में हमने कहा धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमारे हमनवा हुए कि हाँ धांधली हुई है, क्यों? इसलिए कि वो इक्तदार नहीं बना रहे थे। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कहा कि नहीं, शफाफ इंतखाबात हुए, क्यों? क्योंकि वो हुकूमत बना रहे थे। आज फिर PTI कह रही है कि धांधली हुई है क्योंकि वो इक्तदार नहीं बना रहे।
मियां नवाज शरीफ साहब की जमात और जरदारी साहब की जमात कहती है कि नहीं साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं इसलिए कि वो हुकूमत बना रहे हैं। नहीं, सोमरो साहब पीपल्स पार्टी तो ये चीख चीख के कह रही है कि साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। वो तो अभी खोसा साहब ने भी ये कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने ये कहते सुना कि हमें बहुत ज्यादा तशवीश है, हमें शक व शुबात है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क को लेकर चलना तो है ना आगे। मतलब अगर कोई भी हुकूमत नहीं बनाएगा तो क्या करें, फिर दोबारा इलेक्शन कराएंगे? तो शक व शुबहात का मतलब ये होगा कि आप झूठ पर, जाली मैंडेट पर, कौम के चुराए हुए वोट पर एक हुकूमत बनाएंगी और आप समझेंगे कि इससे खैर होगा, मुल्क आगे जाएगा, आवाम इसको कबूल करेगा। ओके, चलिए ये पॉइंट आ गया। सोमरो साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।